दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुअल टेक में। आज फिर उपस्थित हूं मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। दोस्तों BSNL से जो है वीडियो ये जुड़ी होने वाली है और काफ़ी दिन के बाद जो है मैं ये वीडियो ला रहा हूं। और BSNL की फ़िलहाल ऐसी कुछ खास न्यूज़ नहीं आ रही थी, अभी जो है एक न्यूज़ निकल के आई है। काफ़ी लेंथी न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें इन्होंने प्रोवाइड कराई है कि अभाल जो है अभी क्या सिचुएशन अभी चल रही है BSNL की और कब तक BSNL अच्छे से चलेगा, 4G के बारे में क्या काम चल रहा है, एसेट मोनेटाइजेशन वगैरह सब के बारे में इन्होंने बात की है। काफ़ी अच्छी जो है न्यूज़ ये है, चलिए जानते हैं। तो BSNL 4G डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन पैनल बांड्स इंडियन कोर SI अप्रोच सोर्स कोड ऑफ टेलीकॉम गेयर। तो न्यू दिल्ली की रिपोर्ट है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन पैनल फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL 4G टेंडर हैज़ रिकमेंडेड अलाउइंग ओनली इंडियन कंपनी टू प्रोवाइड कोर नेटवर्क प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द स्टेट रन टेलीकॉम्स। दोस्तों इनका कहना है कि केवल जो इंडियन कंपनी है उनके लिए जो है अनुमति दी गई है जो नेटवर्क है उसको तैयार करने की। द कोर सेल बी इंडियन वेंडर नीड टू पास थ्रू POC फॉर प्रोवनेस ऑफ द प्रोडक्ट नॉट मोर दैट टू सिस्टम इंटीग्रेटर कैन ऑफर POC फॉर इंडियन कोर। इफ दैट फेल्स BSNL will not able to procure core, the committee said in its recommendation reviewed by ET. दोस्तों जो है इन्होंने ये बात कही है, कमेटी में जो है ये बात हुई है। द गवर्नमेंट हैड सेट अप ए पैनल टू रिकमेंड फ्रेश क्लाउज फॉर BSNL 4G एक्सपेंशन टेंडर। तो दोस्तों जो BSNL 4G का एक्सपेंशन का जो टेंडर है उसके जो है बात की गई है इसमें। दिस आफ्टर द गवर्नमेंट ए फ्यू मंथ्स बैक कैंसिल द 8,697 crore 4G कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द टेलीकॉम फॉर ओवर 50,000 साइट्स इन द बैक ड्रॉप ऑफ हाइटेड इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन। द प्रीवियस वेंडर फिनलैंड नोकिया एंड चाइना ZTE हैज बीन asked टू अपग्रेड द टेलीकॉम 2G एंड 3G नेटवर्क टू 4G बट दिस वॉज कैंसल्ड। द गवर्नमेंट हैज सिंस डिसाइड नॉट टू अलाउ चाइनीज टेलीकॉम गेयर मेकरस लाइक हुआई एंड ZTE। जो दोस्तों ये पुरानी बात ही कर रहे हैं जो कि ये कंपनी के साथ जो चाइनीज कंपनी है और एक फिनलैंड की कंपनी है नोकिया उसके साथ जो है इसका टेंडर कैंसिल किया गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। टेक महिंद्रा टू गेन। दोस्तों टेक महिंद्रा ये वो कंपनी है जो कि BSNL के लिए 4G इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएगी। द रिकमेंडेशन इफ एक्सेप्टेड विल पेव द वे फॉर इंडियन कंपनी लाइक टेक महिंद्रा दैट्स एक्ट एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर टू बी बिड फॉर BSNL टेंडर फॉर 50,000 4G साइट। दोस्तों इन्होंने जो है बिड डाल दी है, बिड डालने का मतलब है कि जितनी भी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगी वो अपना जो है इसमें रेट रख सकती हैं कि इतने में जो है हम इसके लिए रिवाइव करके दे देंगे। इवन फॉर रेडियो एक्सेस नेटवर्क इट हैज रिकमेंडेड दैट स्टेट रन इक्विपमेंट वेंडर ITI बी अलाउड टू प्रोवाइड 20% ऑफ इक्विपमेंट विद एन इंडियन टेक्नोलॉजी कोलेबोरेटर। दोस्तों 20% जो है कोई इंडियन टेक्नोलॉजी से जो कोलेबोरेशन कंपनी होगी जो कोलेबोरेटर कंपनी होगी वो 20% इक्विपमेंट देगी। ए कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन टेलीकॉम स्टैक नीड्स टू बी पुट टूगेदर विद फोकस ऑन इंडियाज मैन्युफैक्चरर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी द कमेटी नोटेड। द महिंद्रा रिसेंटली सेड इट विल बिड फॉर BSNL 4G टेंडर। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो टेक महिंद्रा है उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि जो इसके लिए बिड है वो हमने डाल दी है। बिड का मतलब एक्चुअली दोस्तों ये होता है कि अपना अपना जो है रेट ये डाल देती हैं और अपनी अपनी एबिलिटी भी डाल देती हैं कि हम जो है इस हद तक इसके लिए रिवाइव कर सकते हैं, इस हद तक जो है अपना इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं और उसमें उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, सब और फ्रिक्वेंसी कितनी अच्छी है वो सब अपनी क्वालिटी वगैरह सब कुछ मेंशन करते हैं और उसमें अपना रेट भी डाल देते हैं, इसके लिए बिड कहते हैं। तो दोस्तों जो टेक महिंद्रा है जो कि BSNL के 4G पर नज़र गड़ाए हुए हैं काफ़ी समय से, जब से कि टेंडर कैंसिल हुआ है तो इसमें जो है इसने अपनी बिड डाल दी है और भी बहुत सारी कंपनियों ने बिड डाल दी है। इट हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड इन हैंड विद ITI टू बिल्ड सॉफ्टवेयर IP इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द 4G रेडियो एक्सेस नेटवर्क दैट विल बी अपग्रेड टू 5G टैक।
The IT company may also partner with Japanese telecom Rakuten Mobile to use the latter Rakuten communications platform for the BSNL 4G tender. दोस्तों ये Rakuten भी एक कंपनी है जिसके लिए कि कोलेबरेट किया जाएगा इसमें. पैनल बांड सोर्स कोड. द कमेटी हैज़ ऑल्सो रिकमेंड ऑल पार्टिसिपेटिंग वेंडर्स टू सबमिट देयर रिक्वायरमेंट एंड सॉल्यूशन सोर्स कोड क्लाउज दैट फॉरेन वेंडर हैड प्रोविजनली अपोज्ड. दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि जो इसके वेंडर हैं, जो BSNL के वेंडर हैं, वो वेंडर जो है अपना क्वालिटी दें, अपना जो किस प्रकार से जो इसके लिए बनाया जाएगा और किस प्रकार से जो अदर कंपनियां हैं यानी फॉरेन कंपनियां उनसे किस प्रकार से जो है बेहतर रिक्वायरमेंट ये देंगे. उन्होंने ये जो है एक सबमिट करवाया है सब ये रिटेल में. द सोर्स कोड शुड बी डिपोजिटेड इन द एस्क्रो अकाउंट. द एस्क्रो वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर सेल बी द सेम एज द वर्जन इन द फील्ड. दोस्तों ये एस्क्रो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि ये जो फील्ड का वर्क होता है उसका ये एक ऐप का वर्जन बना के दे दिया है. द सोर्स कोड शुड बी कम्प्लीट विद नन प्रायोरिटी कम्प्लीज बाई द सप्लायर एंड इंस्टॉल्ड इन द फील्ड सेम कंडीशन अप्लाई फॉर द RAN equipment also. The committee said in the recommendations. In this recommendation, the committee said that the RAN specifications should be open for all, which all Indian companies can bid. दोस्तों all Indian जितनी कंपनियां हैं सबने bid जो है दे दिया और अपनी bid दे सकती हैं. इन्होंने खुली छूट दी है. It added that the tender should be a 4G only tender without any requirements for 2G and 3G equipment hardware software. दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि केवल जो है 4G लगाया जाएगा ना कि 2G 3G भी लगाया जाएगा. एक्चुअली क्या होता है कि इनके लिए ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो बिड है केवल 4G के लिए रखी जा रही है. द सेल वी ए पी ओ सी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर द इंडियन कंपनीज ओनली नॉट हैविंग प्रायर एक्सपीरियंस एंड फॉर provenance of product. POC shall be completed in 4 months. Technical specifications for POC shall be the same as in tender. It said in its recommendation. दोस्तों जो recommendation मांगी गई है ये उन्होंने उसमें कहा है. The 8-member committee handed by Department of Telecommunication member technology K. Ramchand in its recommendation to Telecom Minister Ravi Shankar Prasad also suggested allowing system integrator for participate as lead bidder with technology consortium partners supplying the core and RAN equipment to the state-run telecom operator. The panel also include TK Paul DG Telecom Professor Bhaskar. दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसके डायरेक्टर IIT मद्रास के डायरेक्टर हुए हैं. इन लोगों के साथ जो है इसमें ये मीटिंग हुई है. ये जो है इसके मेंबर बनाए गए 8 मेंबर हैं. All committee member aspect BSNL recommended that this tender should be 4G only. BSNL wanted to common BBU 2G plus 4G BTS for around 22,500 sites. The committee noted that the Indian vendor can provide multi-technology 2G plus 4G RAN. Moreover, the committee feel that BSNL should not further invest in 2G technology. दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि अगर हम जियो की बात करें तो 4G और 2G इसकी दोनों सर्विस जो है क्योंकि अगर 4G अगर आपका नेट ख़त्म हो जाता है, नेट पैक ख़त्म हो जाता है 4G का, तो उसके बाद 2G चलता है. तो उन्होंने ये कहा कि 2G और 4G BSNL ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2G है. तो जो 2G की BTS ना हटाकर जो लिंक लगा है वो 2G का तो लगा रहेगा, 4G का और ऐड हो जाएगा इसमें. इसलिए जो BSNL अब जो 2G पर जो है 2G प्लस 4G पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता, यानी केवल 4G पर ही पैसा खर्च करना चाहता है, ये उन्होंने कहा है. इफ रिक्वायर्ड BSNL मे गो फॉर सेपरेट टेंडर और एड ऑन टेंडर इन फेस 8.2 टेंडर द कमेटी शेड. इफ proved a success which the committee fully hopes as per Atmanirbhar initiative of the government of India,
दिस कंट्री सेल हैव इंडिगेस टेक्नोलॉजी इन द टेलीकॉम सेक्टर स्टार्टिंग विद द टू PSUs द कमेटी सेड इन इट्स प्रेजेंटेशन एंड एज पर द PM वर्जन द कंट्री सेल अचीव सेल्फ रिलायंस एंड ऑल्सो एड्रेस द सिक्योरिटी कंसर्न इन द टेलीकॉम सेक्टर द कमेटी रिकमेंडेड दैट BSNL में अपग्रेड और augment its exist 2G and 3G RAN deployed in phase 8.4 tender through L1 bidder जो L1 का जो bidder है as per the latest Ministry of Finance guideline referred to earlier based on technology commercial considerations the government had amended the general finance rule 2017 restricting company from कंट्री शेयरिंग ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया सच एज चाइना एंड पाकिस्तान फ्रॉम सिक्योरिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि 2017 के रूल के अनुसार जो टेंडर है वो होगा, और दोस्तों जो 2017 के रूल के अनुसार टेंडर जो विदेशी देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान चाइना, इनसे टेंडर नहीं होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब इनका ये है जो करो L1 बिडर बाज फिनिश कंपनी नोकिया वाइल जेटी वाज द L2 वेडर। दोस्तों ये थी आज की कुछ खास न्यूज़ जो कि मैंने आप लोगों के लिए बताई। आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथी के साथ वीडियो शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अपडेट रह सकें कि क्या BSNL की कंडीशन चल रही है। दोस्तों BSNL के अब जो है इस प्रकार से अगर जो काम है कमेटी वगैरह बात हो रही है तो केवल बात ही हो रही है, अभी काम नहीं हुआ है। काम जो है जल्दी होने के चांसेस हैं, देखते क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।